हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। जेईई मेंस 2021 फेज 2 के रिजल्ट में फिर से रहा ओमेगा का जलवा। जेईई मेंस 2021 के मार्च माह के परीक्षा परिणाम में ओमेगा दरभंगा के बच्चों ने एक बार फिर बेहतर प्रदर्शन कर संस्थान सहित माता पिता का नाम रोशन किया है और कायम रखा है अपना दबदबा। शहर दरभंगा के मिर्ज़ापुर स्थित प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर के बच्चों ने वह मुकाम हासिल किया जो अभी तक किसी एक शिक्षण संस्थान के लिए मात्र एक स्वप्न जैसा था। ओमेगा दरभंगा के 4 बच्चों ने जेईई परीक्षा में 98 से अधिक परसेंटाइल हासिल किया है। पिछले कुछ वर्षों से ओमेगा दरभंगा इंजीनियरिंग और मेडिकल की परीक्षाओं के लिए सर्वोत्तम विकल्प के रूप में उभरा है। ओमेगा स्टडी सेंटर के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने बताया कि लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों के बीच बच्चों ने बैठकर ऑनलाइन माध्यम से तैयारी की थी। आज जैसे ही जेईई मेन का रिजल्ट वेबसाइट पर प्रकाशित हुआ, ओमेगा परिवार में जश्न का माहौल बन गया। ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के सटीक मार्गदर्शन एवं बच्चों के कठिन परिश्रम ने पुनः कीर्तिमान स्थापित किया है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा मेन जेईई मेन 2021 मार्च सेशन का रिजल्ट आज जारी किया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा जारी रिजल्ट में संस्थान के 4 बच्चों ने 98% से ज़्यादा परसेंटाइल हासिल कर संपूर्ण बिहार में संस्थान की विश्वसनीयता को फिर से स्थापित किया है एवं संस्थान के कुल 52 बच्चों ने सफलता अर्जित की है। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने बताया कि बिहार के किसी भी एक कोचिंग संस्थान के रिजल्ट का अनुपात ऐसा नहीं है। श्री चौबे ने कहा कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार संस्थान के कुल 52 बच्चों का चयन एडवांस के लिए हुआ है, जिसमें गोपाल कुमार 98.99, पंकज 98.80, हर्ष 98.30 एवं सफी आजम 98.35% सहित हिमांशु, आशु, सत्यम, ऋषभ, प्रतीक, सोनू, हामिद, हिमांशु, सनत, आलोक, रिशु, सौरभ, आशु, वेदिका सहित 52 बच्चों ने बेहतर रिजल्ट हासिल कर संस्थान को गौरवान्वित किया है एवं एडवांस के लिए क्वालिफाई किया है। ओमेगा के छात्र छात्राओं ने जो रिजल्ट दिया है वह सिर्फ बड़े शहरों में जाने से नहीं मिलता, अपितु बेहतर रिजल्ट के लिए एक ऐसे संस्थान की जरूरत होती है जहाँ बच्चों का व्यक्तिगत रूप से उत्साहवर्धन किया जाए और श्रेष्ठ एवं अनुभवी शिक्षकों का समुचित मार्गदर्शन मिले, साथ ही संस्थान का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बच्चों के भविष्य को बेहतरीन बनाना हो।